और सबसे पहले सबसे अहम खबर के साथ शुरुआत। दिल्ली में पुलिस ने कश्मीरी एक्टिविस्ट की हत्या की साजिश नाकाम की है। यहां आरके पुरम इलाके से पंजाब के रहने वाले दो संदिग्ध पकड़े गए हैं। संदिग्धों के पास से पाकिस्तान में बनी दो पिस्तौलें मिली हैं, दो देसी बंदूकें मिली हैं और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। विवेक शर्मा, इस बारे में आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचा रहे हैं। विवेक, पूरा मामला बताइए। देखिए, साउथ वेस्ट जिले के आगेपुरम पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो कि कश्मीर पर बोलने वाले एक एक्टिविस्ट की हत्या की साजिश कर रहे थे। दोनों आरोपियों को वेंकटेश्वर मार्ग से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मामला संवेदनशीलता को देखते हुए एक्टिविस्ट का नाम जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा स्पेशल सेल को मामले की जो जानकारी है वो दे दी गई है। सेल की टीम भी जो है मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दोनों बदमाशों के आरकेपुरम आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाकर इन लोगों को गिरफ्तार किया था और इनके पास से पुलिस ने दो देसी कट्टे और चार जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए और दो पिस्टल भी बरामद किए। उसका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, लगातार इनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और ये लोग और किस तरह की वारदात प्लानिंग क्या थी इस पूरी वारदात को अंजाम देने की, वो सारी चीजें जो है उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। जी बहुत धन्यवाद विवेक, ये जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।